हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का फिश की दुनिया में बहुत बहुत स्वागत है। मैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी को अलग अलग फिश के बारे में नॉलेज देता हूं। इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि आप फिश की दुनिया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलती है और मैं बहुत ही इसी तरीके की धमाकेदार वीडियो लाता रहूंगा। आज हम बात करेंगे एक ऐसी मछली की जो अपने खूबसूरत पैटर्न और यूनिक कलर्स की वजह से जानी जाती है, जिसका नाम हार्ले क्वीन रसबोरा है। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी जो इस चैनल में नए हैं, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हार्ले क्वीन रसबोरा को रसबोरा हेड्रोमोर्फा के नाम से भी जानते हैं और जनरली इन्हें हम हार्ले क्वीन फिश भी कहते हैं। इनकी उत्पत्ति साउथ ईस्ट एशिया जैसे मलेशिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया के जलाशयों में मानी जाती है और आज यह विश्व भर के एक्वेरियम लवर की पहली पसंद बनी हुई है। इनकी साइज की बात करें तो ये काफ़ी छोटी होती है। इनका साइज 2 से 2.5 इंच तक ही रहता है। इसका शरीर बहुत ही आकर्षक होता है और बॉडी में ब्लैक, रेड, वाइट बिंदु का पैटर्न बना होता है। इस मछली की कोई भी प्रजाति नहीं पाई जाती, लेकिन यह मछली अलग अलग कलर्स में पाई जाती है। यह मछली आमतौर पर काफ़ी शांत और सामाजिक होती है। यह ग्रुप में रहना ज़्यादा पसंद करती है। एक्वेरियम में अन्य मछलियों के साथ यह खुद को आसानी से एडजस्ट कर लेती है। आप इन्हें टैंक में जब भी पालें तो कम से कम 6 से 8 रसबोरा जरूर होनी चाहिए। रसबोरा फिश ओमनीवोरस होती है, जिससे आप फ्लैक्स, मीट या फ्रोजन फूड इनके आहार में जरूर शामिल कर सकते हैं। रसबोरा मछली काफ़ी नाजुक होती है। हमारी जरा सी लापरवाही इनकी मौत का कारण बन सकती है, इसलिए इनको पालते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि इनके लिए एक्वेरियम का साइज 10 गैलन या फिर 40 लीटर से कम का नहीं होना चाहिए। एक्वेरियम का पानी शांत और ठंडा होना चाहिए, जिसका टेम्परेचर 70 से 80 डिग्री फॉरनहाइट होना चाहिए। एक्वेरियम में जीवित पेड़ हों तो ये और भी ज़्यादा अच्छा है, और साथ ही साथ फिश टैंक में हीटर और फिल्ट्रेशन की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। हार्ले क्वीन सामाजिक मछली है, इसलिए टैंक में 6 से 8 मछलियाँ जरूर होनी चाहिए। एक्वेरियम की सुंदरता बढ़ाने के लिए आप इसमें हाइडिंग स्पॉट बना सकते हैं, जिससे ये खुद को एंटरटेन कर सकती हैं। यह मछली आकर्षकता और जीवितता लाती है, जिससे फिश टैंक में ताजगी का अनुभव होता है। फिश लवर्स के लिए यह मछली एक बहुत ही अच्छा विकल्प है। आप सभी लोग यह वीडियो अपने दोस्तों, अपने फैमिली मेंबर्स को जरूर शेयर कीजिए, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए आपको किस मछली के बारे में जानना है, या फिर टैंक से रिलेटेड आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो मुझे जरूर कमेंट कीजिए। मैं आपके हर क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूर कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले एक धमाकेदार वीडियो में। लेकिन अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए।